साची तुम संग आज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साची तुम संग आज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साची तुम संग आज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बजरंग कुली हरी शक्ति तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरी शक्ति तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम रेसलर्स जो है उनका धरना लगातार चल रहा है। कहीं तो 16 दिन से ज्यादा इनको हो चुके हैं। हमारे साथ हैं राकेश प्रजापति जी, जो कि इनका समर्थन देने आए हैं रेसलर्स का, पहलवानों का। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहलवान इतने दिन हो गए हैं धरने पर बैठे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार से उनके ऊपर जो धाराएं लगी है उसमें तो गिरफ्तारी होती है सर, लेकिन क्यों नहीं हो रही, क्या लगता है? देखिए, दो तीन बातें इम्पोर्टेंट। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हम बाबा साहब का परिवार जो है, अम्बेडकर परिवार जो है, जो बाबा साहब के असली वंशज हैं, उनका पूर्ण समर्थन महिला पहलवानों का है। हमें आनंद आज अम्बेडकर साहब ने भेजा है कि पूरी ताकत लगाइए जंतर मंतर पे और इन महिला पहलवानों को न्याय दिलाएंगे। और ना सिर्फ हम जंतर मंतर में, पूरे देश में हम प्रदर्शन करेंगे। देखिए, संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, फिर एक्ट के अंदर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होना चाहिए। आज इतने दिन हो गए, संविधान में ये पहली प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वो कितना गरीब हो या कितना अमीर हो, ये देश में लोकतंत्र से चलता है, राजतंत्र नहीं चलता। कि राजा के बेटे को सम्मान है और प्रजा को सारे के सारे कानून के लागू है, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से संविधानिक पूरे देश चलता है, तो संविधानिक रूप से तो उनकी गिरफ्तारी होना नहीं चाहिए। तो आप जो लगे मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देश की जरा सोशल मीडिया इसको कवर कर रही है, सोशल मीडिया समर्थन कर रही है। यदि देश की मीडिया मात्र 24 घंटे के लिए ईमानदारी से काम कर ले तो सही में न्याय बेटी को भी मिलेगा और बेटी को मिलेगा, देश को भी मिलेगा। लेकिन कह रहे हैं ना कि वो अगर दोषी पाए जाते हैं तो लोग इनकी गिरफ्तारी को खुद दे देंगे गिरफ्तारी। नहीं, दोषी पाए जाने का फैसला कौन करेगी? सरकार करेगी, बीजेपी सरकार करेगी या पुलिस करेगी या कोर्ट करेगा? जांच हो तो कोर्ट फैसला तो कोर्ट करेगा ना, कोई दोषी या नहीं है। जांच गिरफ्तार को यदि परिवार होता तो गिरफ्तार होता या नहीं होता? आप तो क्या लगता है, कोई पॉलिटिकल है सबको लगा, पूरे देश जानता है बात के लिए, तो पॉलिटिकल दबाव है, कभी तो गिरफ्तार ही नहीं हुई है। यदि किसी और व्यक्ति पर ऐसा मुकदमा लगा होता तो आपको लगता है कि वो अभी बाहर होता? आप क्या चाह रहे हैं, आप उनको फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और दूसरी वाली बात है क्या सजा होगी वो कोर्ट डिसाइड करेगा, क्या सजा होनी चाहिए वो कोर्ट डिसाइड करेगा। हम ये चाहते हैं कि उन्हें इमीडिएट रूप से गिरफ्तारी की जाए। मेरा नाम राकेश प्रजापति है, मैं रिपब्लिकन समाजवादी प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के परिवार के साथ काम करते हैं। जय भीम। कितने लोग आए आप लोग? 40-30 तो वकील ही लोग पूरी लीगल चाल अधिवक्ता, हाँ पूरी लीगल चाल। नाम परिचय दे दीजिए। जी, मैं रवि राठौर, रिपब्लिकन सेना पार्टी से दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष। सर, आज आप लोग जो रेसलर्स बेटियां हैं यहाँ पर, पहलवान जो बैठे हुए हैं, उनका समर्थन करने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि ये देश के लिए इतना बड़ा इन्होंने काम किया और उनके साथ इतना गंदा दुर्भाव हुआ उनके साथ, वो बहुत मतलब निंदनीय है। और उसके लिए उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी मतलब सोचने वाली बात है कि वो रेसलर हैं हिंदुस्तान की, मेरे देश के बच्चे शान हैं वो, और उनके लिए अभी तक कोई पुलिस नहीं कर पाई कुछ। तो सोचो अगर साधारण लोगों के साथ क्या हो सकता है, उन बच्चियों को कितना बचने की ज़रूरत है इन लोगों के साथ। सर, बात करें यौन शोषण की, तो यौन शोषण की परिभाषा आप किस प्रकार से देते हैं? यौन शोषण देखो कई तरीके से होता है, आपको भी पता है। अगर आप गलत तरीके से देख रहे हैं तो भी वो शोषण हो रहा है, अगर आप उसको छेड़ रहे हैं या छू रहे हैं या उसके लिए गलत बोल रहे हैं तो भी शोषण है। तो क्या लगता है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, क्या इसमें पॉलिटिकल कुछ दबाव है, क्या है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत बड़ा दबाव है। और मैं खुल के तो आपको पता है नहीं किसी का नाम ले सकता हूँ, लेकिन ऊपर से दबाव तो है क्योंकि पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही है प्रॉपर। लगता है कि अगर इनकी जगह कोई और होता तो अब तक उसकी गिरफ्तारी हो जाती? बिल्कुल, इतना समय नहीं लगता उसको गिरफ्तार होने में।
लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का भी कहीं ना कहीं ये कहना है कि अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ मैं स्वतः ही गिरफ्तारी और कहें तो मैं अपने आप तक को उन्होंने कहा है कि मैं खत्म कर लूंगा, उन्होंने ऐसा बयान दिया है। एक्चुअली मैं बयान देने से कुछ नहीं होता, जो उनको उनका जो है उनको गिरफ्तार करके, अगर नॉर्मल आदमी होता तो अभी तक गिरफ्तार हो जाता, 3 दिन या 2 दिन के अंदर गिरफ्तार हो जाता है। और आज 15 से 20 दिन होने जा रहे हैं, हमारे बच्चे धूप में परेशान भूखे प्यासे लोग बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका कौन ध्यान देने आ रहा है? बल्कि इतने पुलिस इतनी फोर्स किस लिए? कोई मतलब क्योंकि उग्रवादी थोड़ी है, ये तो हमारे देश के बच्चे हैं, न्याय मांग रहे हैं, तो आप सामने आओ, न्याय दो। उन्होंने कहा कि और भी तो रेसलर्स पहलवान है, वो क्यों नहीं, वो उनसे भी पूछ लिया जाए, जो मेरे भाई लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो जरा उनसे भी पूछे, और भी तो पहलवान है उनसे। जी देखो ऐसा होता है कि जिसकी उंगली कटती है दर्द उसी को होता है, ओके? तो इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जिसके साथ हुआ है उसको भी पता है, और बाकी सारे देश के पहलवान सब पहलवानों के साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ संदेश कुछ देना चाहेंगे? संदेश देना चाहूंगा दिल्ली अपने इंडिया की सरकार से, दिल्ली सरकार से हमारी अपील करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी कीजिए और न्याय की तरफ आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।